हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर वन रोमन न्यूमेरल्स का स्टडी करेंगे और इसमें हमें रोमन न्यूमेरल्स का यूज करके नंबर्स किस तरह से लिखते हैं उसका प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ सिंबल्स यूज करेंगे, आई वी एक्स, और ये सिंबल्स का यूज करके नंबर्स लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा बेसिक समझाता हूं, कुछ रूल्स बताता हूं और फिर उनका यूज करके हम 20 तक के नंबर्स लिखेंगे। ठीक है, तो चलो थोड़ा बेसिक हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर वन रोमन न्यूमेरल्स, अब इसमें हमें रोमन न्यूमेरल्स का यूज करके नंबर्स लिखने हैं, तो उसके लिए हम ये सिंबल्स यूज करने वाले, आई वी और एक्स, और ये तीन सिंबल्स यूज करके हम ये पूरे 20 तक के नंबर्स लिखने वाले हैं। तो देखो, इसमें आई का मतलब होता है वन, आई मीन्स वन, वी का मतलब होता है फाइव, V means 5, और X का मतलब होता है 10, X means 10। ठीक है, तो हमें अगर 1 लिखना है तो हम I लिखेंगे, 5 लिखना है तो V लिखेंगे, और 10 लिखना है तो X लिखेंगे। तो चलो ये तीन नंबर्स हम पहले लिख लेते हैं। 1 means I, उसके बाद 5 means V, और उसके बाद 10 means X। ठीक है, इस तरह से तीन नंबर्स हमें मिल गए और ये बाकी के नंबर्स भी हमें यही तीन सिंबल्स यूज करके लिखने हैं। ठीक है, तो देखो उसके लिए रूल ऐसा है कि आई और एक्स का हम रिपीटेशन कर सकते हैं, आई और एक्स का रिपीटेशन हम कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 3 बार। ठीक है, आई हम आई आई ले सकते हैं, 2 बार रिपीटेशन कर सकते हैं, या आई 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 ऐसा 3 बार भी रिपीटेशन कर सकते हैं, वैसे एक्स का भी रिपीटेशन कर सकते हैं, एक्स एक्स 2 बार भी ले सकते हैं, या एक्स 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 3 बार भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये V का रिपीटेशन नहीं होता है, ओनली I और X का हम रिपीटेशन कर सकते हैं, V का कभी भी रिपीटेशन नहीं होता है। ठीक है, तो चलो किस तरह से नंबर्स बनाएंगे। अब देखो ये 2 कैसे लिखेंगे, तो 2 लिखने के लिए हम I को 2 बार लेंगे। 2 लिखने के लिए हम किस तरह से लेंगे, 2 मीन्स आई आई, क्योंकि I का मतलब होता है 1 और ये दूसरे आई का मतलब अगेन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से हमें 2 लिखने के लिए हम आई आई लिखेंगे। ओके, 2 मीन्स आई आई, आई 2 बार लेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 2। उसके बाद अगर हमें 3 लिखना है तो 3 के लिए भी हम आई का रिपीटेशन करेंगे, 3 बार आई लेंगे, आई आई आई, इसका मतलब हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 टाइम्स आई, तो ये हो जाएगा 3। तो 3 लिखने के लिए हम इस तरह से लिखेंगे, आई 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 3 टाइम्स आई, क्योंकि हम आई का रिपीटेशन कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद 4 कैसे लिखेंगे, अब देखो आई का रिपीटेशन हम ओनली 3 टाइम्स कर सकते हैं, 3 से ज्यादा टाइम्स नहीं कर सकते, 4 टाइम्स रिपीटेशन नहीं कर सकते आई का, तो फिर 4 कैसे लिखेंगे। तो 4 हम देखो 4 यानी 5 माइनस 1 होता है, तो 5 मीन्स V होता है V, और ये 1 हमें माइनस करना है, तो माइनस अगर करना है तो कभी भी V के पहले लिखा जाता है, और V के पहले लेंगे इसका मतलब 5 माइनस 1, तो 4 अगर हमें लिखना है तो V के पहले हम I लेंगे, दैट इज आई वी, तो आई वी का मतलब होगा 4। तो 4 लिखने के लिए हम I और V का यूज करेंगे और V के पहले I लिखेंगे, दैट इज आई वी का मतलब हो गया 4। उसके बाद 5 यानी V तो हमें पता है, उसके बाद 6 कैसे लिखेंगे, अब देखो 6 कैसे लिखेंगे, 6 यानी 5 प्लस 1 होता है, अब 5 मीन्स V और 1 मीन्स I, तो V के बाद I लिखेंगे, तो इसका मतलब हो गया 5 प्लस 1, दैट इज 6। तो 6 लिखने के लिए हम वी आई यूज करेंगे, जैसे 4 लिखने के लिए हम आई वी यूज करते हैं वी के पहले आए, वैसे 6 लिखने के लिए हम वी के बाद आए लेंगे, वी आई। तो देखो 6 भी हमें पता चल गया, 6 मीन्स वी आई। उसी तरह से 7 कैसे लिखेंगे, 7 मीन्स 5 प्लस 2 होता है, 5 प्लस 2, 5 मीन्स वी और 2 मीन्स आई आई, देखो ये 2 हमने लिया है आई आई, तो वी आई आई ऐसा लिखेंगे, तो इसका मतलब 7,
वी आई आई मीन सेवन, फाइव प्लस टू। देखो सेवन लिखने के लिए हम वी के बाद दो बार आई लेंगे, वी आई आई, तो इसका मतलब हो गया सेवन, फाइव प्लस टू एट। एट कैसे लिखेंगे, वी आई आई आई, वी मीन्स फाइव और ये आई 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 मीन्स थ्री। देखो आई आई मीन्स थ्री होता है और फाइव प्लस थ्री तो ये हो जाएगा एट। तो एट लिखने के लिए हम इस तरह से लिखेंगे वी आई आई आई, तो ठीक है। एट कैसे लिखते हैं वो भी हमें पता चल गया, ठीक है। उसके बाद नाइन, अब नाइन कैसे लिखेंगे, देखो नाइन मीन्स टेन माइनस वन होता है। अब टेन कैसे लिखते हैं, एक्स का यूज करके, और ये माइनस वन लेना है। जैसे फोर लिखते समय भी यहां पर माइनस वन था तो हमने वी के पहले आई लिया था, वैसे यहां पर भी नाइन लिखने के लिए टेन माइनस वन है, तो माइनस वन मीन्स आई, तो माइनस वन मीन्स आई को हमें पहले लेना है एक्स के पहले, एक्स के पहले हम आई लेंगे, इसका मतलब टेन माइनस वन होता है। तो नाइन लिखने के लिए हम इस तरह से लिखेंगे आई एक्स, आई एक्स विल रिप्रेजेंट नाइन, ठीक है। तो देखो नाइन के लिए हम कैसा सिंबल यूज करेंगे, आई एक्स, एक्स के पहले आई लेंगे, ओके। तो ये हो गया नाइन और ये टेन है, तो वन टू टेन कैसे लिखते हैं हम, ये हमें समझ में आ गया रोमन न्यूमरल्स यूज करके, ये तीन ही सिंबल्स यूज करके वन टू टेन कैसे लिखते हैं वो सब हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद इलेवन टू ट्वेंटी तक के नंबर्स कैसे मिलेंगे वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो हमें इलेवन लिखना है, अब इलेवन कैसे होता है, इलेवन मीन्स टेन प्लस वन, टेन प्लस वन। अब टेन क्या होता है, टेन मीन्स एक्स और प्लस वन, प्लस वन मीन्स एक्स के बाद आई लेंगे तो इसका मतलब होता है प्लस वन, एक्स के बाद आई लेंगे तो इसका मतलब होता है प्लस वन, तो ये हो गया एक्स आई मीन्स इलेवन। तो इलेवन लिखने के लिए हम एक्स आई यूज करेंगे, ठीक है। इलेवन मीन्स टेन प्लस वन, दैट इज एक्स आई। फिर ट्वेल्व कैसे लिखेंगे, ट्वेल्व मीन्स टेन प्लस टू, दैट इज टेन कैसे होता है एक्स और टू कैसे होता है आई आई, ठीक है। तो एक्स के बाद आई आई लेंगे इसका मतलब हो जाएगा टेन प्लस टू, दैट इज ट्वेल्व। तो ट्वेल्व लिखने के लिए हम एक्स आई आई लेंगे, एक्स आई आई टेन प्लस टू ट्वेल्व। उसके बाद थर्टीन कैसे लिखेंगे, थर्टीन मीन्स टेन प्लस थ्री। अब टेन कैसे होता है एक्स और थ्री कैसे होता है आई आई आई, तो एक्स के बाद हम तीन बार आई लेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा टेन प्लस थ्री और टेन प्लस थ्री होता है थर्टीन। तो थर्टीन लिखने के लिए हम इस तरह से लिखेंगे एक्स आई आई आई, एक्स मीन्स टेन और आई 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 मीन्स थ्री, तो टेन प्लस थ्री दैट इज थर्टीन। अब फोर्टीन कैसे लिखेंगे, देखो फोर्टीन मीन्स टेन प्लस फोर होता है, टेन कैसे लिखते हैं एक्स और फोर कैसे लिखते हैं, देखो हमने देखा है फोर कैसे लिखते हैं आई वी। अब फोर लिखने के लिए हम आई वी लेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ये टेन और ये फोर, टेन प्लस फोर फोर्टीन। तो फोर्टीन लिखने के हम इस तरह से लिखेंगे एक्स आई वी टेन प्लस फोर, तो ये हो गया फोर्टीन, एक्स आई वी, आई वी का मतलब फोर। नेक्स्ट फिफ्टीन, अब फिफ्टीन कैसे लिखेंगे, फिफ्टीन होता है टेन प्लस फाइव। अब टेन माने एक्स और फाइव कैसे होता है वी, तो फिफ्टीन लिखना है तो एक्स वी लिखेंगे टेन प्लस फाइव, तो ये हो जाएगा फिफ्टीन, ठीक है। तो फिफ्टीन लिखने के लिए हम सिंबल यूज करेंगे एक्स वी। नेक्स्ट सिक्सटीन, अब देखो सिक्सटीन कैसे होता है, टेन प्लस सिक्स, टेन मीन्स एक्स और सिक्स कैसे होता है, देखो यहां पर लिखा हमने सिक्स यानी वी आई, तो एक्स के ऊपर लिख देंगे वी आई, तो ये हो जाएगा टेन प्लस सिक्स, टेन प्लस सिक्स माने सिक्सटीन, टेन और ये सिक्स सिक्सटीन, तो सिक्सटीन लिखना है तो एक्स वी आई, एक्स वी आई, एक्स मीन्स टेन और वी आई मीन्स सिक्स, तो ये एक्स वी आई मीन्स सिक्सटीन। उसके बाद सेवनटीन, सेवनटीन कैसे लिखेंगे, टेन प्लस सेवन, टेन मीन्स एक्स और सेवन कैसे होता है, सेवन मीन्स वी आई आई, सो एक्स के बाद वी आई आई, तो ये हो जाएगा सेवनटीन, ये टेन और ये ऊपर की सेवन,
10 प्लस 7 17, तो 17 लिखना है तो उसके लिए हम लिखेंगे x v i, ये 10 और ये 7, 10 और 7 17. 18 कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 8, अब 10 कैसे लिखते हैं x और 8, 8 कैसे लिखते हैं v i i i, देखो तीन बार आए v i i i, तो ये x यानी 10 और ये v i i यानी 8 और 10 और 8 18, तो ये हो गया 18. तो 18 लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, ये 10 और ये 8, तो ये हो गए 18. ओके, x v i i i. तो उसके बाद 19 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अब देखो 19 कैसे होते हैं, 10 प्लस 9, 10 मीन्स x, 10 मीन्स x, और 9 कैसे लिखते हैं, i x, x के पहले i, ये हो गए i x, i x मीन्स 9, अब ये 10 और ये 9, 10 और 9 कितने हो जाएंगे 19, तो 19 इस तरह से लिखते हैं x i x, तो ये हो गया 19, x i x, ये हो गया 19. अब लास्ट में 20 कैसे लिखेंगे, 20 यानी 10 प्लस 10, अब देखो ये 10 लिखना है तो x लेंगे और ये 10 लिखना है उसके लिए भी x लेंगे, x means 10, ये x means 10, और 10 और 10 कितने होते हैं 20, तो 20 लिखना है तो xx, x का दो बार रिपीटेशन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 20, 20 means xx, ठीक है. तो इस तरह से रोमन न्यूमेरल्स का यूज करके 1 टू 20 तक के नंबर्स किस तरह से लिखते हैं वो हमने समझ लिया, ठीक है. अब इसका यूज करके हम प्रॉब्लम सेट 1 का स्टडी करेंगे, ठीक है. तो चलो इसके बाद प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन 1 करेंगे. चलो अभी क्वेश्चन 1 करेंगे. क्वेश्चन 1 इज राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू 20 यूजिंग रोमन न्यूमेरल्स. तो यहां पर हमें 1 टू 20 नंबर्स लिखने हैं रोमन न्यूमेरल्स का यूज करके, और ये बेसिक में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है. तो वही आंसर हम क्वेश्चन 1 के लिए यूज करेंगे. क्वेश्चन 1, राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू 20 यूजिंग रोमन न्यूमेरल्स, ठीक है. तो बेसिक में मैंने आपको 1 टू 20 तक के नंबर्स किस तरह से रोमन न्यूमेरल्स का यूज करके लिखते हैं वो समझाया है. तो यही हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर होगा. 1 मींस i, 2 मींस ii, 3 iii, 4 iv, 5 v, 6 vi, 7 vii, 8 viii, 9 ix, 10 x, 11 xi, 12 xii, 13 xiii, 14 xiv, 15 xv, 16 xvi, 17 xvii, 18 xvii, 19 xix, and 20 xx. तो इस तरह से रोमन न्यूमेरल्स का यूज करके हम 1 टू 20 तक के नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है. इसके बाद करेंगे क्वेश्चन 2. चलो अभी क्वेश्चन 2 करेंगे. क्वेश्चन 2 इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल न्यूमेरल्स, ठीक है. तो देखो यहां पर हमें 8 एग्जांपल्स दिए हैं, हर एक एग्जांपल में हमें रोमन न्यूमेरल्स दिए हैं और उनके हमें इंटरनेशनल न्यूमेरल्स लिखने हैं, ठीक है. तो चलो आंसर लिखेंगे. फर्स्ट एग्जांपल v, तो v यानी 5 होता है, तो v का इंटरनेशनल न्यूमेरल हमें मिल गया 5. नेक्स्ट viii, सेकेंड एग्जांपल viii. अब देखो v मींस 5 प्लस ii मींस 2, तो 5 प्लस 2 7, यानी viii मींस 7. थर्ड एग्जांपल x, x इक्वल टू 10, x यानी 10 होता है. फोर्थ एग्जांपल x iii, 3 टाइम्स i. अब देखो x मींस 10 एंड iii मींस 3, 10 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 13. नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल xiv, अब देखो यहां पर
एक्स मीन्स 10 एंड आई ही मीन्स 4, तो 10 प्लस 4 यानी 14, ठीक है, 10 प्लस 4 दैट इज 14. नेक्स्ट 6, एक्स वी आई, एक्स वी आई. अब देखो x मीन्स 10 एंड वी आई मीन्स 6, 10 प्लस 6 16. नेक्स्ट एक्स वी आई आई आई, एक्स वी आई आई आई, दैट इज x मीन्स 10 एंड वी आई 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 मीन्स 8, तो 10 प्लस 8 हो जाएगा 18, सो दिस नंबर इज 18. नेक्स्ट 8, दैट इज आई एक्स, सो आई एक्स मीन्स 9 होता है. देखो x मीन्स 10 होता है और आई एक्स के पहले जब आई आता है तो उसका वैल्यू माइनस होता है, माइनस 1, सो 10 माइनस 1 9. एक्स के पहले जब आई आता है तो वो माइनस 1 लेना होता है, 10 माइनस 1, सो 10 माइनस 1 दैट इज 9 एंड देयरफॉर आई एक्स मीन्स 9, ठीक है. तो इस तरह से क्वेश्चन 2 का आंसर हमें मिल गया. चलो अभी क्वेश्चन 3 करेंगे. क्वेश्चन 3 इज फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस. तो ये टेबल दिया है, इसमें हमें फर्स्ट रो में नंबर्स दिए हैं इन वर्ड्स एंड सेकेंड रो में रोमन न्यूमेरल्स दिए हैं, ठीक है. तो जहां पर नंबर दिया है वहां पर हमें उसका रोमन न्यूमेरल लिखना है और जहां पर रोमन न्यूमेरल दिया है वहां पर उसका नंबर लिखना है इन वर्ड्स, ठीक है. तो चलो आंसर लिखेंगे 3. तो 3 रोमन न्यूमेरल्स में हम किस तरह से लिखते हैं, आई आई आई, ओके, दिस इज 3. उसके बाद यहां पर वी आई 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 दिया है तो ये कौन सा नंबर है, 8, 5 प्लस 3 मीन्स ये 8 है, तो इसका आंसर आएगा 8, ई आई जी एच टी, 8. अब नंबर दिया है 6, अब ये कैसे लिखेंगे रोमन न्यूमेरल्स में, वी आई 5 प्लस 1 दैट इज 6. उसके बाद एक्स आई आई मीन्स 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 यानी 12 हो जाएगा, तो ये कैसे आएगा, टी डब्ल्यू ई एल वी ई, 12. उसके बाद नंबर दिया है 15, तो 15 कैसे लिखेंगे, एक्स वी दैट इज 10 प्लस 5 15. फिर उसके बाद एक्स आई एक्स यानी ये 19 होता है, 10 प्लस 9, ओके, तो ये 19, एन आई एन ई टी डबल ई एन 19, ठीक है. तो इस तरह से क्वेश्चन 3 का आंसर हमें मिल गया. इसके बाद करेंगे क्वेश्चन 4. चलो अभी क्वेश्चन 4 करेंगे. क्वेश्चन 4 इज राइट द नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमेरल्स. तो देखो यहां पर हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, उनको हमें रोमन न्यूमेरल्स का यूज करके लिखना है. फर्स्ट एग्जांपल 9, तो 9 कैसे लिखते हैं, आई एक्स, एक्स के पहले आई लेंगे तो इसका मतलब 9. नेक्स्ट 2, 2 कैसे लिखते हैं, आई आई, दो बार आई लेंगे तो इसका मतलब 2. नेक्स्ट 17, अब 17 कैसे लिखेंगे, देखो 17 यानी 10 प्लस 7 होता है और 10 के लिए x और 7 के लिए v i i, तो इस तरह से 17 लिखते हैं, x v i i, सो दैट इज 17 x v i i, ये हो गया 17. नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल 4, 4 कैसे लिखते हैं, i v, v के पहले i लेंगे जिसका मतलब 4. नेक्स्ट 11, 11 कैसे लिखेंगे, 11 मीन्स 10 प्लस 1, तो 10 मीन्स x और 1 मीन्स i, x i, सो दैट विल बी 11, तो x के 11 के लिए x i. नेक्स्ट 18, 18 कैसे लिखेंगे, देखो 18 यानी 10 प्लस 8, तो 10 मीन्स x और 8 मीन्स v i i आई, एक्स मीन्स 10 होता है और ये वी आई आई मीन्स 8 और 10 और 8 18, तो 18 इस तरह से लिखते हैं, एक्स वी आई आई आई, 18 मीन्स एक्स वी
आई 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 दिस इज 18 ओके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 4 के आंसर हमें मिल गए। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन 5। चलो अभी क्वेश्चन 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 इज इन द टेबल बिलो ईच गिवन नंबर इज रिटन इन इंटरनेशनल न्यूमेरल्स एंड देन अगेन इन रोमन न्यूमेरल्स। इफ इट इज रिटन करेक्टली इन रोमन न्यूमेरल्स पुट राइट साइन इन द बॉक्स अंडर इट, इफ नॉट पुट रॉन्ग साइन एंड करेक्ट इट। तो देखो यहां पर हमें एक टेबल दिया है, उसमें कुछ हमें नंबर्स दिए हैं और वही नंबर्स उसके नीचे हमें रोमन न्यूमेरल्स के फॉर्म में भी दिए हैं। तो अगर ये रोमन न्यूमेरल्स करेक्ट है तो उसके नीचे हमें करेक्ट का साइन करना है, रॉन्ग है तो रॉन्ग का साइन करना है, और अगर रॉन्ग है तो करेक्ट आंसर उसके नीचे लिखना है। तो देखो फर्स्ट नंबर दिया है 4 और 4 के लिए दिया है आई 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 आई, तो ये रॉन्ग है। आई का रिपीटेशन कभी भी 4 बार नहीं किया जाता, तो ठीक है ये आंसर रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो 4 के लिए हम यूज करते हैं आई वी, दिस इज करेक्ट आंसर फॉर 4। नेक्स्ट 6 के लिए दिया है वी आई, तो ये करेक्ट है। 6 के लिए हम वी आई यूज करते हैं 5+1। नेक्स्ट 8 के लिए दिया है आई आई एक्स, हाँ तो ये रॉन्ग है। देखो x के पहले कभी भी 2 बार i नहीं यूज किया जाता, तो ये रॉन्ग है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर क्या होता है 8 के लिए, 8 के लिए हम यूज करते हैं v i i i, हाँ तो v i i i का मतलब होता है 8। नेक्स्ट 16 के लिए दिया है x v i, तो ये करेक्ट है। 16 के लिए हम एक्स वी आई ही यूज करते हैं, एक्स मीन्स 10, वी आई मीन्स 6, 10+6 मीन्स 16। नेक्स्ट 15 के लिए दिया है वी वी वी, देखो वी का कभी भी रिपीटेशन नहीं किया जाता है, तो ये आंसर रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, 15 मीन्स 10+5 होता है, तो उसके लिए एक्स वी हम यूज करते हैं, एक्स वी का मतलब होता है 10+5, दैट इज 15। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन 5 का भी आंसर हमें मिल गया और इसके साथ ही ये प्रॉब्लम सेट 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने रोमन न्यूमेरल्स लिखने का प्रैक्टिस किया और उसके लिए हमने कुछ सिंबल्स यूज किए आई वी एक्स। इसके साथ साथ और भी कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं रोमन न्यूमेरल्स लिखने के लिए, जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 पे हमें दिए हैं आई दिया है, वी दिया है, एक्स दिया है, उसके साथ साथ एल सी डी एम ये भी सिंबल्स यूज किए जाते हैं रोमन न्यूमेरल्स लिखने के लिए। लेकिन हमें प्रॉब्लम सेट 1 में 20 तक के रोमन न्यूमेरल्स ही लिखने थे, इसलिए हमने आगे के सिंबल्स यूज नहीं किए। ठीक है, 20 तक के रोमन न्यूमेरल्स लिखने के लिए आई वी एक्स से हम काम कर सकते हैं। हाँ, तो देखो आगे के भी सिंबल्स दिए, जैसे कि एल दिया है, एल का मतलब होता है 50, सी दिया है, सी का मतलब होता है 100, डी दिया है, डी का मतलब होता है 500, और एम दिया है, एम का मतलब होता है 1000। ठीक है, तो ये भी सिंबल्स हम आगे के नेक्स्ट स्टैंडर्ड में यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 का स्टडी शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।